भोपाल से इस वक्त की चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि हुक्का लाउंज और शराब की दुकानों का फैसला सामने आया है। बता दें कि रहवासी इलाके में दुकानें चल रही है, उस पर फैसला आज निकल कर आया है। बता दें कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक होगी, जिसमें शराब दुकान समेत 16 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रज्ञा ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, संपन्न समिति की बैठक होने जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर की अध्यक्षता में सीएम शिवराज ने इसके निर्देश दिए थे। शराब दुकान समेत 16 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सब जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, कहा जा रहा है शराब दुकानों के साथ साथ 16 अलग अलग वो विषय होंगे जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी, बैठक की जा रही है। हुक्का लाउंज और शराब की दुकानों को लेकर के एक बड़ा फैसला आज सामने निकल कर आ सकता है, क्या अपडेट? देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कई ऐसे रहवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर हुक्का लाउंज चल रहे हैं, अवैध रूप से भी चल रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिला हुआ है हुक्का लाउंज को लेकर, और ऐसे कई जगह पर लाउंजेस चल रहे हैं। और इसी को लेकर अब भोपाल सांसद जो प्रज्ञा ठाकुर है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, और उन्होंने पूरे अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है राजधानी भोपाल की कि इन लाउंज पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से ये जो लाउंज चल रहे हैं या तो इनके लाइसेंस निरस्त किए जाए या फिर इन पर जो है प्रकरण दर्ज किया जाए। इस तरीके से कार्रवाई होनी है, इसको लेकर पूरी तरीके से भोपाल सकते हैं, और नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो है यहाँ पर राजधानी भोपाल के हुक्का लाउंज के खिलाफ चलाने वाले हैं। देखिए, नशे पत्ती में जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, नशे पत्ती का कारोबार कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी बख्शने की तैयारी राजधानी भोपाल की पुलिस साथी सांसद कर रहे हैं। यहाँ पर आज बैठक होगी, एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से नशे का कारोबार पूरी तरीके से राजधानी भोपाल में खत्म करना है, और रहवासी क्षेत्र जहाँ पर माहौल बिगड़ता है, खासकर अगर हम बात करें हुक्का लाउंज से अवैध जो नशे के कारोबार चल रहे हैं, काफी ज्यादा उससे माहौल बिगड़ता है। कई लोग भी जो है शराब पीकर जो है कॉलोनियों में देखा जाता है, तांडव करते हैं, उपद्रव करते हैं, इन लोगों से कैसे निपटना है इसकी तैयारी पूरी तरीके से राजधानी भोपाल के सांसद समेत अधिकारी आज रणनीति बनाने के साथ करेंगे। अब क्या हुक्का लाउंज जो रहवासी क्षेत्रों में चल रहे हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आज की बैठक में ये बड़ा एक फैसला सामने आ सकता है। लेकिन अब नशे का कारोबार रहवासी क्षेत्रों में, खासकर जहां पर परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वहां पर अब बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से कड़ा प्रतिबंध जो है, आक्रामक तैयारी हम कह सकते हैं करने वाले हैं यहाँ पर पूरा प्रतिबंध लगाने के लिए। जी बिल्कुल, और बैठक के बाद देखिए कौन कौन से बड़े फैसले सामने निकल कर आते हैं और प्रशासन द्वारा उसको कितना अमलीजामा पहनाया जाता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशी।